हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन नासिर है और मैं हूं अहमद लतीफ। सो गाइस, आज की जो वीडियो का टाइटल वही है कि इंडिया हैक्ड इमरान खान फोन यूजिंग पेगस। पेगस एक वायरस आया हुआ है रिसेंटली, हमने देखा है और ये काफी ट्रेंडिंग में भी है। तो इसके थ्रू मतलब उन्होंने इमरान खान का फोन जो है वो हैक किया, क्रैक किया। तो अब ये हमें वीडियो में पता चलेगा कि उसके फोन के अंदर क्या चीजें उन्होंने मतलब हैक की। तो वो वीडियो में क्या सीन चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, वीडियो देखने के बाद पे बहस करते हैं जरा मजे की। तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपका जो लव एंड सपोर्ट मिल रहा है रिसेंट डेज में हमने देखा, तो उसका हम बेहद दोनों शुक्रगुजार हैं। तो आप लोगों ने सजेशन भी की नई वीडियो की, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इमरान खान के फोन से मिले हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 2010 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था कि फोन की टैपिंग करना नेशनल इंटरेस्ट में है। अगर सरकार सुन रही है कि दो लोग आपस में फोन पे क्या बात कर रहे हैं, सरकार अगर स्पाइंग कर रही है तो ये नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ठीक है। आज के समय 2021 में अगर ये बात यहाँ पर ये बोलते तो इनकी काफ़ी आलोचना होती। सरकार की आज के समय आलोचना वैसे ही हो रही है क्योंकि कुछ न्यूज़ एजेंसी ने भारत सरकार पर आरोप ये लगाया है कि इन्होंने इसराइल की कंपनी NSO का सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके भारत में कई लोगों पर जासूसी करी है, जैसे कि राहुल गांधी, उसके अलावा इवन जो भारत सरकार के खुद के कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं उन पर भी जासूसी करी गई है पेगासस का इस्तेमाल करके। ना अभी तक जो ये लिस्ट थी इसमें थे सिर्फ इंडियंस, अब यहाँ पर एक और नाम और जुड़ गया है और वो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये रिपोर्ट्स आज के समय आ रही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही लंबे समय तक इमरान खान का जो फ़ोन नंबर है इसको हैक करके रखा था। इमरान खान जो भी चैटिंग कर रहे थे, जो भी मैसेज कर रहे थे, इसकी पूरी जानकारी थी इंडियन गवर्नमेंट को। यहाँ पे आप देखोगे डॉन का आर्टिकल है, डॉन पाकिस्तान का न्यूज़ आउटलेट है। यहाँ पर लिखा है कि इमरान खान का जो नंबर है इट वॉज अमंग दोज टारगेटेड फॉर सर्वेलेंस बाय इंडिया यूजिंग इसराइल स्पाईवेयर, और जो इसराइली स्पाईवेयर है यहाँ पर यह है पेगासस, और पाकिस्तान ये मुद्दा रेस करने वाला है। ऑलरेडी आप अगर देखोगे तो इनके मिनिस्टर्स ने ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है कि हम बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर कि इंडिया ने हमारे PM का फोन बहुत ही लंबे समय तक हैक करके रखा था। यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान टू रेज हैकिंग बाय इंडिया ऑफ इमरान खान फोन। और जहाँ तक रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी अभी तक, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान के 4 नंबर हैं मेन, उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है जिससे ये बात करते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, उसके अलावा ISI के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। वही नंबर जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है वही इंडिया ने हैक करके रखा था काफ़ी लंबे समय से। और इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो वेरियस मिनिस्टर्स हैं इमरान खान की कैबिनेट में, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम एक्सट्रीमली कंसर्न्ड हैं इस न्यूज़ को लेकर कि इंडिया ने यहाँ पर इजरायली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल अपोनेंट्स, पॉलिटिशियंस, इनकी स्पाइंग करने के लिए। और ये जो अनएथिकल पॉलिसीज़ है मोदी गवर्नमेंट की, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ना सिर्फ भारत के लिए पूरे रीजन के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे एक और ट्वीट है, तो देखो पाकिस्तान बिल्कुल UN में और जगह ये मुद्दा उठाएगा, इनके लिए काफ़ी मैं कहूँगा एम्बेरसमेंट की बात भी है और एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है। मुझे पता नहीं इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या सुन लिया होगा, इमरान खान ने काफ़ी बातें करी होगी विद आर्मी जनरल, विद ISI चीफ, हो सकता है, I mean आज के समय हम स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं, हो सकता है कि इंडिया ने आर्टिकल 370 ये बात एंश्योर करके हटाया हो कि इमरान खान की क्या बात चल रही है इंटरनली अपने आर्मी चीफ से और लोगों से। क्योंकि जब आपको पता है कि जो मेन कंट्री आज के समय जो अपोज करती है आर्टिकल 370 का रिमूवल, उनके अंदर क्या बातचीत चल रही है, वो अंदर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तभी आपको ये बड़ा स्टेप ले पाएंगे। सो पाकिस्तानी मीडिया में आज के समय बहुत गुस्सा है, इनके लोगों में भी काफ़ी गुस्सा है, उन लोगों में गुस्सा है जो जानते हैं कि ये हो चुका है और पाकिस्तान की ISI ने कैसे ये सब होने दिया। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे कि इंडिया ने अगर पेगासस का इस्तेमाल करके इमरान खान का फ़ोन हैक किया था तो ये कैसे हुआ होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, पेगासस को बनाया है इसराइली कंपनी NSO ने, वो ओपनली ये कहते हैं कि जासूसी करने के लिए। इससे बेहतरीन स्पाईवेयर दुनिया में ना बनाया गया है, हो सकता है कि बहुत ही लंबे समय तक बनाया भी ना जाए। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ होगा कि सिंपली इमरान खान के नंबर पर एक मिस कॉल आई होगी और उसी से इनका फ़ोन हैक हो गया होगा। और उसके बाद देखो जो कॉल लॉग होता है कि आपने किसको फ़ोन किया, किसका फ़ोन आपको आया, ये सॉफ्टवेयर उस कॉल लॉग को भी डिलीट कर देता है। तो इमरान खान को तो एक्चुअली कभी पता ही नहीं लगा होगा कि इनका फ़ोन यहाँ पे हैक हो चुका है और सारे डिटेल्स भारत सरकार के पास पहुँच गए हैं। ये तो अब जाके अब वेरियस जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं जैसे द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, वेरियस न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो यहाँ पर कह रही है कि भारत सरकार ने ना सिर्फ इंडिया में
इवन इंडिया के बाहर बहुत से लोगों के नंबर्स हैक किए थे, तो अब इमरान खान को समझ में आया होगा कि फॉरेन पॉलिसी में इनसे लगातार ब्लंडर क्यों हो रहे हैं। बेसिकली जो भी इनकी प्लानिंग थी, जो भी इनकी आपस में बातचीत थी, वो लगातार लीक हो रही थी इनके फ़ोन के थ्रू। ना यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर दूं कि कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे कि ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट, इवन इसराइल भी काफ़ी इंटरेस्टेड हो इमरान खान की बातचीत सुनने के लिए, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा ये रिपोर्ट सामने आई थी कि इमरान खान यूएई के दबाव में आके हो सकता है कि इसराइल को रिकॉग्नाइज कर ले एज ए कंट्री। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि इंडिया ने जासूसी करके ये डेटा इजरायली गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया हो, या फिर जो यहाँ पे इजरायली कंपनी है एनएसओ, इसने डायरेक्टली यहाँ पर इंडिया के बिहाफ पे स्पाइंग करने के बाद सेम डेटा प्रोवाइड किया हो इजरायली गवर्नमेंट को, और उससे उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन लगाई होगी कि क्या इमरान खान इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे एज ए कंट्री या फिर नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये लिस्ट निकाली है वेरियस न्यूज आउटलेट्स ने उन लोगों की जिनका फोन एलिजेडली हैक किया था इंडियन गवर्नमेंट ने यूजिंग पेगासस, उसमें कई चाइनीज डिप्लोमेट्स भी हैं। जी हाँ, चाइना के डिप्लोमेट्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया, उनका भी यहाँ पर नाम है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं इन इंडिया, उनका भी यहाँ पर नाम है। और ये बाय द वे पहली बार नहीं है कि इंडिया ने इमरान खान की स्पाइंग करी है। जब से पावर में आए हैं इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉपरली ये पता है कि इनके ऑफिस में क्या होता है, ये किससे बात कर रहे हैं, इनके क्या प्लान्स हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब करने के लिए हर बार हमको इसराइल की हेल्प चाहिए। एनटीआरओ ने 2019 में तो इमरान खान की ऑफिस की जो सारी पिक्स हैं ये निकाल दी थी और इंडिया को बता रहा कि इमरान खान के ऑफिस में क्या क्या फाइल्स पड़ी हैं, क्या क्या ब्लूप्रिंट्स हैं और किन चीज़ों पर इमरान खान आज के समय फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप पूछोगे, वेट, रॉ के बारे में सुना है, आईवी के बारे में सुना है, एनटीआरओ क्या है? देखो, मीडिया में ज़्यादातर रॉ आईवी ज़रा आते हैं। NTRO बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो काम करती है अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। इसको सेटअप किया गया था 2004 में। इसके सेम नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट हैं जैसे कि रॉ के हैं या फिर आईबी के हैं। ओवर द इयर्स इन्होंने बहुत सारी इंटेलिजेंस गैदर करी है भारत सरकार के लिए। तो देखो, आज के समय कंफर्टेबली हमने आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया, 35A रिमूव कर दिया, तब भी कश्मीर काफ़ी हद तक काम है। ये सब अपने आप नहीं हुआ, ऑब्वियसली बात है, इसमें बहुत डिटेल्ड प्लानिंग, रिसर्च, हार्डवर्क गया होगा उन लोगों का जिनका नाम हो सकता है कि कभी पब्लिक में आए भी ना। मगर फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो स्टेटमेंट थी फ्रॉम 2010, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि फ़ोन टैपिंग या फिर स्पाइंग ये काफ़ी बार नेशनल इंटरेस्ट में इंपॉर्टेंट भी होती है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, ऑल टुगेदर ये सब बंद करना चाहिए, देयर शुड बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। और हाँ, अगर आप फाइनली ये पूछना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान ये सारा इशू यूएन में लेके जाता है तो यूएन क्या कुछ करेगा, तो इसका आंसर है नहीं। यूनाइटेड नेशंस के कोई भी कानून नहीं है स्पाइंग को लेकर। दुनिया जानती है कि चाइना स्पाइंग करता है यूएसए की, यूएस स्पाइंग करता है चाइना की, उस पर कोई रुकावट नहीं होती। कंट्रीज आर सपोज टू स्पाई ऑन ईच अदर। तो पाकिस्तान चाहे इस इशू को जहां भी रेस करे, कोई ज़्यादा कुछ एक्शन इंडिया के अगेंस्ट नहीं होगा। और फाइनली आप ओके गाइस, वीडियो हो गया यहाँ पे एंड। ठीक है, तो काफी हैरानगी की यार एक न्यूज आई है सामने कि इमरान खान का फोन हैक हो गया। ठीक है, और मुझे मजीद हैरानगी की ये बात पता लगी है कि ये काम पहले से चलता आ रहा है। एनटीआरओ कर रहा है और इन्होंने जो सॉफ्टवेयर एग्जाम लगाया जा रहा है पेगासस इजराइल से, उसको यूज करके ये इंडिया पहले अपनी ही जो अपोजिशन पार्टी है उनकी जो है ना जासूसी करती थी कि वो क्या हरकतें करने के बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी स्पाई करना है। नहीं यार, एक बात है, मैं बात पता क्या बात ये होती है कि आप अपने कंट्री के अंदर आपकी गवर्नमेंट बनी हुई है। ठीक है, सपोज करें मेरी गवर्नमेंट है, आप अपोजिशन में हो, तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं कोई भी अपनी टेक्निक यूज करके, सॉफ्टवेयर यूज करके पूरी गवर्नमेंट का जोर लगा के आपको फोन तो आराम से टैप कर सकता हूँ, ताकि आपकी जासूसी कर सकूँ। असल जो चीज होती है वो होती है कि सेम कैटेगरी के दूसरे कंट्री के बंदे का फोन हैक करना। ये कोई मैं कह दूं कि आसान काम तो नहीं था कि बैठे बैठे इंडिया का भाई हम इमरान खान का फोन हैक कर लेते हैं। तो एनटीआरओ ने की या उसने अपने मुल्क के अंदर, जहां तक वो कह रहे हैं कि पहले होता था ऐसा, लोग उस पर भी हैरान थे कैसे करते हैं ये अपने ही जो अपोजिशन की पार्टीज हैं तो उनके फोन टैप करते थे, वो चलो सोच में समझ में आती है बात, लेकिन दूसरे कंट्री के प्रधानमंत्री का फोन टैप करना और उनके ये सबसे मजे की बात, ऑफिस की फाइल्स तक उनकी जो है ना रसाई हो जाना, उनको ये पता होना कि कौन कौन सी टिक्स जो है ना ऑफिस के अंदर। 2019 में एनटीआरओ जो कि इनकी एजेंसी है जैसे कि रॉ है, बट ये थोड़ी सी बैक एजेंसी है, ये बहुत खुफिया एजेंसी, मतलब सामने ज्यादा शो नहीं करते इंडिया। मैंने खुद पहली बार नाम सुना, 2004 में एस्टैब्लिश हुई थी। तो इसने 2019 में इमरान खान के ऑफिस की पिक्स ली, फिर उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनकी पिक्स, ब्लूप्रिंट्स। ये हैरानगी की बात है, कैसे मुझे लगता है जो थे होते हैं ना
जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं शायद उनके थ्रू इन्होंने हैकिंग की होगी, क्योंकि और तो कुछ जरिया है नहीं, क्योंकि दीवारों से तो नहीं तस्वीर ले सकते जो सिक्योरिटी कैमरा है ना वहां, उनको हैक करना ज्यादा मुश्किल नहीं। हाँ, उनसे कुछ हुआ पंगा। लेकिन हसन यार प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में लगे सीसीटीवी भी, उस पर भी कुछ नजर होती होगी ना किसी बंदे की, या कोई सीन तो होता है सिक्योर करने के लिए। हाँ, तो लेकिन वो कर लिया इंडिया ने बोली यार, एक हैरत की बात है। लेकिन इन्होंने एक और जो है ना, एक मीटिंग हुई थी यार, हमने उस पर रिएक्शन दिया था। किसकी मीटिंग? वो कौन सी मीटिंग थी? इंडिया ने पाकिस्तानी मीटिंग हैक बाय इंडिया यार, उस पे हां पाकिस्तानी Zoom मीटिंग, Zoom मीटिंग हैक बाय हैकर्स, वो हम उस पे भी हैरान थे। लेकिन वो इतना वो नहीं था, हाई प्रोफाइल मीटिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें यूएन के बंदे थे, पाकिस्तानी कुछ जो है ना जो हाई प्रोफाइल बंदे थे, उनकी मीटिंग हो रही थी, और वो इंडियन सिंपल हैकर्स ने हैक कर ली थी। सिंपल हैकर्स ने, मतलब उसमें गवर्नमेंट का कोई या लोकल हैकर्स थे, जो लोकल हैकर्स थे इंडिया वाले, उन्होंने जो है ना वो हैक कर ली। तो उससे अंदाजा होता है कि मैं पहले भी यही कहता हूँ, इंडिया आईटी के अंदर बहुत आ गया, ठीक है ना। अब आपको फायदे नजर आ रहे हैं, ठीक है। आईटी के अंदर जो कंट्री आ गया, सारी बात है, उतनी ही जो है ना उसके माइंड्स आगे होंगे, उतने ही लोग आगे होंगे, उतनी ही जो है ना फिर चीजें आगे होंगी। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि साइबर सिक्योरिटी में हमने हाल ही में एक मैंने रिएक्शन दिया था, उसमें 10th रैंकिंग में आ गया इंडिया। चाइना 35वीं रैंकिंग में। ओके मैन, मतलब नजर आ रहा है अभी, मतलब इंडिया ऊपर जा रहा है। 33 मतलब सीढ़ियां चढ़कर 10वीं रैंकिंग पे है, 33 को पीछे छोड़कर, बहुत बेहतरीन 10वीं रैंकिंग पे। फोकस करना होता है इन चीजों पर, इस तरह ऐसी कोई भी कंट्री ऊपर नहीं जाता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार एक अच्छे से अच्छा शहर भी है ना, जो इंडिया के अंदर कोई मतलब एवरेज सिटी भी है, उसके अंदर आपको आईटी यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगी। सही बात, ठीक है। मैं रिसेंट रिएक्शन दिया था, उस पर 1300 करोड़ रुपए सिर्फ वो लगा रहे थे एक आईटी यूनिवर्सिटी में, मैं हैरान रह गए। मतलब इतना फोकस दे रहे हैं इंडिया आईटी को, हम बिल्कुल नहीं दे रहे। और फिर वहां से यार सुंदर पिचाई जैसे निकलते हैं, निकलते हैं वहां से, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑन करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात। तो बस इसी पे वीडियो मेरे ख्याल में एंड करते हैं, इस हैरानगी के साथ। इस जो है ना, आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन और इसके रिलेटेड तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अपना रखें बहुत ख्याल, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमें लाइक करना। रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह।